तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डैशबोर्ड विथ पावर बीआई। हमने जैसे बताया आपको कि पावर बीआई के जो भी कंटेंट्स थे जो आपको सीखना चाहिए था, और मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ सिखा दिया है। अब आप लोग उसकी प्रैक्टिस करके उसके अंदर और डीप में जा सकते हैं और डीप में यूज कर सकते हैं। सपोर्ट के लिए मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, कभी कोई दिक्कत हुआ तो कॉल पे, या एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, वीकेंड में टाइम चाहिए, 2-3 घंटे टाइम चाहिए, तो मैं देने के लिए रेडी रहूंगा। अब आगे जो हमारे कुछ क्लासेस होगी प्रोजेक्ट क्लासेस, मतलब की रिपोर्ट क्लासेस, इसमें कुछ रिपोर्ट्स मैं बनाऊंगा, कुछ रिपोर्ट्स आपको बनाने। ओके, तो एक रिपोर्ट्स मैंने इंटरनेट से ढूंढा है आप लोगों के लिए, चलिए उसको देखते हैं। उससे पहले आप डेटा को देखिए, जो डेटा मैंने डमी डेटा क्रिएट, डमी डेटा में हमारे पास यहां पे जो डेटा है डमी डेटा वो है कि डेट, ऑर्डर आईडी, नेम, सिटी, क्वांटिटी, अमाउंट और कस्टमर के टाइप कि वो ओल्ड कस्टमर है या न्यू कस्टमर। डेटा हमारे सामने है। अब इस डेटा पे मुझे रिपोर्ट बनानी है किस तरह की, इस तरह की डेटा देखिए, सिंपल है क्योंकि शुरुआत में कॉम्प्लिकेटेड में नहीं लाऊंगा ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। तो सबसे पहले यहां पे आपको देखिए कि ये हमारा ऑर्डर्स है, यहाँ पे लेटेस्ट ऑर्डर्स है, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये हमारा ऑफर्ड है, ठीक है ना, ऑर्डर प्रोडक्ट है, और नीचे ये आपको दिख रहा है न्यू कस्टमर। तो मैं सेम मैंने डेटा तो नहीं, लेकिन हाँ सेम टाइम पर वो डेटा चाहते हैं कि भाई मुझे टोटल ऑर्डर दिखता है, लेटेस्ट 8 या 10 लेटेस्ट हमारे ऑर्डर दिख जाए, लेटेस्ट 10 ऑर्डर क्या है, और हमारा कंट्रीब्यूशन दिख जाए इसका सिटी वाइज, यहाँ ऑर्डर प्रोडक्ट है लेकिन मेरे पास सिटी है यहाँ, तो सिटी वाइज यहाँ पे दिख जाए। तो मुझे यहाँ पे डेट वाइज, मुझे यहाँ डेट वाइज और नेम वाइज और टोटल ऑर्डर दिखे, और यहाँ पे मुझे लेटेस्ट ऑर्डर दिखे, 10 लेटेस्ट ऑर्डर दिख जाए, और यहाँ जो आपको दिख रहा है ये मुझे यहाँ पे जो है हमारे सिटी वाइज कंट्रीब्यूशन दिख जाए कि सिटी में कितना सेल हुआ है, और नीचे हमें डेट वाइज हमारे न्यू कस्टमर्स की, न्यू कस्टमर्स कितने कितने आए हैं किस किस डेट। बात समझ में आ गया? हेलो, यस सर। डेटा आपके सामने, और डेटा जो जनवरी से लेकर जून तक का है। आया मनीष जी? मनीष जी सबसे पहले हम यहां पे चलिए डेटा लेते हैं, एक्सेल से है, एक्सेल से लेते हैं, डैशबोर्ड फाइल एंड यहां पे ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म जो किया डायरेक्ट लोड कर देता हूं, ट्रांसफॉर्म बाद में डायरेक्ट लोड कर देता पहले हम इंसर्ट में आते हैं, इंसर्ट में स्टेप्स में लाइन, इसका एंगल चेंज नहीं होगा,
90 डिग्री के एंगल पे चेंज कर दिया, उसके बाद हम टेक्स्ट लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स, सेल्स सही है, इसकी साइज हम बढ़ा देते हैं, प्लस और बढ़ा देते हैं, प्लस और इसको यहां से हम ये लाइन को ए कर रहा है तो इसकी बैकग्राउंड ऑफ कर देता हूं। फिर यहां पे हम टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, इसमें एक टेक्स्ट बॉक्स और देते हैं, डेटा फॉर्म ओके। अब इसमें हमें ये चार्ट चाहिए, अब इस चार्ट में मुझे क्या चाहिए, इसमें चाहिए डेट, इसमें हमें चाहिए डेट, डेट डेट में हमें चाहिए अमाउंट नहीं क्वांटिटी ऑर्डर्स, ऑर्डर्स में मुझे यहां पे ए चाहिए, नेम और नेम को भी वैल्यू में कि टोटल नंबर ऑफ काउंट कितना आया है, मैं डीप डाउन है काउंट हटाता हूं, काउंट और नेम हटा देता हूं, यहां पे क्वांटिटी यहां हम डेटा में आते हैं क्योंकि रिपोर्ट ये जो रिपोर्ट बना है मंथली तो ठीक है बट कई पीरियड का डेटा देखने में गलत सही नहीं होगा, तो इसके लिए हम डेटा में आते हैं, कॉलम में आते हैं, न्यू कॉलम और यहां पे हम देते हैं मंथ और यहां पे हम फॉर्मेट लगा के सही जाएगा, फॉर्मेट डेट अब इसमें हमारे पास मंथ मंथ नंबर है तो फॉर्मेट लगाए उससे अच्छा है कि मैं यहां पे डेट सिलेक्ट करूं और इसमें मंथ नंबर नहीं मंथ सिलेक्ट कर लेते आ गया। रिपोर्ट में जाता हूं और यहां हमारा एक स्लाइसर है, स्लाइसर को लिया और इस स्लाइसर में हमने मंथ को और स्लाइसर के यहां ये है सिस्टम में
यहाँ पे ड्रॉप डाउन, थोड़ा सा नीचे की ओर देंगे तो सही रहेगा। अब मैं यहां पे मैं मान लीजिए जनवरी सेलेक्ट कर लिया, कुछ जनवरी का सेल्स आ गया और इसमें जो मंथ है इसको हटा देता हूँ, क्वार्टर को हटा देता हूँ, ईयर को हटा देता हूँ, सिर्फ डे वाइज रिपोर्ट होगी। इसके बैकग्राउंड हटा दिया, बैकग्राउंड हटा दिया, सर वैसे ये ग्राफ लाइन में ज्यादा बेटर नहीं दिखेगा? लाइन में बेटर दिखेगी कि बहुत नेम ज्यादा हो गया ना इसलिए। अच्छा नेम ज्यादा हो गया, मैं उसी वजह से ये भी हॉटस्पॉट लग रहा है। ओह नहीं नहीं वही ठीक है सर, वही ठीक है, ये भी ठीक हो सकता है। हाँ ये ज्यादा बेटर लग रहा है कि एक ही स्टैक उसमें आ रहा है, सब सारे नाम यहाँ पे आ जा रहे हैं। चलिए अब इसके ऊपर इसका टोटल सेल आना चाहिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ना, तो क्या करेंगे इसके लिए, तो इसके लिए हम यहाँ होम पे आते हैं और न्यू मेजर्स पे आते हैं। न्यू मेजर्स पे आने के बाद यहाँ हम सम ऑफ क्वांटिटी, टोटल सेल सम ऑफ क्वांटिटी, यहाँ पे हम देंगे फॉर्मूला सम और सम में हम दे देंगे क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन ये तो सही है, लेकिन छोटा सा दिक्कत इसमें हो सकता है, क्योंकि तो जो सम ऑफ क्वांटिटी मिलेगा ये ओवरऑल डेटा का मिलेगा ना, इस स्लाइसर से लिंक नहीं होगा। नहीं सर फिल्टर तो अप्लाई होगा ना इस पे भी, क्योंकि ये पेज लेवल फिल्टर है, जैसे हमने जनवरी फिल्टर किया है तो जनवरी का ही देगा वो। यहाँ तक मेरा ये है मानना है ये नहीं हो पाएगा, देख लेते हैं। ठीक है आया ना, मैं यहाँ पे अप्रैल करता हूँ, हाँ अप्लाई होता है, सॉरी क्योंकि सर पेज लेवल फिल्टर है ना, ये फिल्टर्स पेज लेवल पे काम कर रहा है, तो ये पूरे पेज पे जितना भी आप डालोगे वो सारा फिल्टर करके देगा। इसमें कैटेगरी ऑफ कर देते हैं, वर्ड रैप टाइटल ऑफ है ही, बैकग्राउंड ऑफ कर दिया हमने, डेटा लेवल पे आते हैं, ब्लैक है, ऑटो है, डिस्प्ले यूनिट ऑटो है, तो हम यहाँ नन कर देते हैं तो पूरा एक चेक है, ठीक है। और इसको छोटा करते हैं और इसको उठा के हम यहाँ इसके ऊपर रख देते हैं, थोड़ा सा ऊपर, ठीक है सर।
ये हो गया, तो दो लेवल हमारे हो गया। अब यहाँ पर आता है टॉप 10 ऑडिट्स, मतलब मुझे इसमें से टॉप 10 डेटा उठाना है। कैसे होगा सर? तो इसमें सर वही होगा, ऐसे टॉप 10 है ना, तो स्लाइसर का इस्तेमाल करेंगे इसमें, या टेबल टेबल का, सॉरी। हाँ, तो टॉप 10 चाहिए, इसमें ये नहीं चाहिए, मैं कुछ क्वांटिटी नहीं चाहिए हम। हाँ, तो लेटेस्ट टॉप ऑर्डर आया है ना, ये लेटेस्ट टॉप ऑर्डर चाहिए। हाँ, तो वो टॉप 10 नंबर्स आ जाएंगे ना सर, जब टेबल फॉर्मेट में डालेंगे तो फिल्टर्स में जाके ऑप्शन आता है। मान लीजिए हमने टेबल ही ले लिया, अभी इस टेबल में क्या डालेंगे आप, डेट या ऑर्डर आईडी? ऑर्डर आईडी डालेंगे, अगर हमें टॉप 10 ऑर्डर चाहिए तो ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट सम ऑफ क्वांटिटी, ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट क्वांटिटी का इसमें सम, हां इसके आगे हम क्वांटिटी डालनी चाहिए। ऑर्डर आईडी यूनिक है ना, सम ऑफ आया लेकिन इसमें सवाल है, लेकिन बात यह है कि ये लेटेस्ट कहाँ है आगे? फिल्टर में से टॉप 10 का ऑप्शन आता है इसमें ना, ये फिल्टर्स बगल में आ रहा है सर, राइट में? नहीं नहीं यानी राइट साइड में, विजुलाइजेशन से किससे पहले? ओके, हाँ हाँ, यहाँ हमारा है तो यहाँ ले सकते। तो ऑर्डर में क्वांटिटी यहाँ पर नीचे टॉप 10 आ जाएगा, क्वांटिटी में के टॉप 10, इसे फिल्टर करिए, इधर नहीं आएगा, एडवांस करके कुछ आता है यहाँ पे, कुछ एक ऑप्शन चेंज करना पड़ता है हमें, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग चाहिए ना। हाँ हाँ, तो यहाँ यहाँ इसमें होगा ग्रेटर देन इज नॉट ब्लैंक, नहीं नहीं सर इसमें कुछ और, इसमें एक बार फिल्टर विजुअल्स में जो ये तीन डॉट है उस पर एक बार क्लिक करेंगे सर, तीन डॉट जो है फिल्टर ऑन द दिस विजुअल के बगल में टॉप पे पहले वाले, नहीं नहीं इसमें नहीं, उसी में फिल्टर्स वाले में, इसे सिलेक्ट करिए पहले, सिलेक्ट करके सर, हाँ अब इसमें फिल्टर विजुअल में, ये तो सॉर्टिंग का होता है, हो गया टर्म व्हेन द वैल्यू इज शो ऑल, इसमें आता है टॉप 10 टॉप, ये एडवांस करके कुछ आता है, मेरे क्यों पता नहीं तो दिख नहीं रही है। हाँ बेसिक फिल्टरिंग में, बेसिक फिल्टरिंग में सर, आप बेसिक फिल्टरिंग में जाइए एक बार, टॉप 10, हाँ यहाँ 10 डाल दीजिए, आ गया, अप्लाई हो गया सर वहां पे, आप देखिए लेफ्ट साइड में, इसको सॉर्ट कर सकते हैं उसी में, वहां तीन डॉट से जाके सॉर्ट कर दीजिए ए टू जेड। टॉप 10 कहां है इसको? 10 डाला ही नहीं ना सर आपने, यहां 10 ही नहीं, टॉप के बगल में 10 डाली ना सर, और अप्लाई फिल्टर एक्टिवेट ही नहीं है। ये क्वांटिटी को, हाँ अप्लाई फिल्टर अब हो जाएगा, अब इसको सॉर्ट कर दीजिए, वो तीन डॉट पे जाके इसे सिलेक्ट करके तीन डॉट पे जाके सॉर्ट कर देंगे तो वो सॉर्टिंग हो जाएगी, टॉप वाला ऊपर आ जाएगा जेड टू ए, ये ऑर्डर आईडी वाइज हो रहा है। Yes, अब हो गए यहाँ से, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, और इसकी जो साइज है मैं यहाँ से
इसको साइज बढ़ा देता हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ये नहीं ये इसपे मैं रखता हूँ सिटी और सिटी के बाद मैं इसमें रखता हूँ अपना अमाउंट बड़ा इसको भी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे वापस इस चार्ट को लाता हूँ और इसमें हम आते हैं और यहाँ पे हम लेते हैं हमारा जो हमारा डेट है डेट और डेट में हमारा क्वांटिटी इसमें भी मैं मंथ क्वार्टर ईयर इसको बता देता हूँ आगे। लेकिन मुझे इसमें सिर्फ न्यू कस्टमर चाहिए तो वापस वही फिल्टर में जाऊंगा। यहाँ मुझे फील्ड ऐड करना है इस पे कस्टमर सी टाइप और इसमें हम सिर्फ न्यू को सेलेक्ट ठीक है। उसके बाद अब इसका भी टोटल चाहिए होगा हमें क्या सर? इसके लिए क्या लगाएंगे हम सम एक्स का फॉर्मूला ना। हेलो इसके लिए यहां पे आप सम एक्स का फॉर्मूला लगा लीजिएगा ठीक है। अब इसको आगे जो है आप कर लीजिएगा तो ये फाइल मैं आप लोगों को भेज देता हूं आप लोग इसको जो है अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ओके मिलते हैं कल सेम टाइम।